केरल में किसानों की खुदकुशी का मुद्दा गुरुवार को लोकसभा में गूंजा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में एक किसान की खुदकुशी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की कर्ज वसूली और कर्ज माफी नीति को कटघरे में खड़ा किया। राहुल गांधी ने बजट में भी किसानों को कर्ज के जाल से बाहर निकालने के लिए कोई ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। बीजेपी गवर्नमेंट गेव 4.3 लाख करोड़ in tax concessions and waived 5.5 lakh crores for rich businessmen. Why is this shameful double standard? Why does the government act as if our farmers are inferior to the rich? राहुल गांधी ने बीते साल आई भीषण बाढ़ से तबाही के बावजूद किसानों को कर्ज वसूली का नोटिस भेजे जाने और उनकी संपत्ति जब्त करने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केरल सरकार ने किसानों को 31 दिसंबर 2019 तक कर्ज चुकाने से राहत देने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं की। इन केरला 18 फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड सिंस बैंक्स बिगन रिकवरी प्रोसीजर्स 1.5 इयर्स अगो। द गवर्नमेंट ऑफ केरला हैज अनाउंस्ड अ मॉरेटोरियम ऑन रीपेमेंट ऑफ फार्म लोन्स फॉर ऑल केरला फार्मर्स till 31st December 2019. Meanwhile, the government of India is refusing to direct the RBI. वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बताया कि केरल में बीते डेढ़ साल में 18 किसानों ने खुदकुशी की है। अन्नदाताओं की हालत को दयनीय बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों से किए अपने वादों को पूरा करने की अपील की। I would like to request the central government to direct the RBI to consider the moratorium declared by the Kerala government and ensure that the banks don't threaten the farmers. There is a terrible situation of farmers in this country. The Prime Minister has made commitments to these farmers. So I would request the government of India to fulfill these commitments. इसका जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों की दयनीय हालत के लिए लंबे वक्त तक शासन करने वालों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने किसानों को सम्मान निधि योजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर लाभ पहुंचाने का दावा किया। यह साल दो साल चार पाँच साल के अंदर ही किसानों की दयनीय स्थिति नहीं हुई है। लंबे समय तक जिन लोगों ने सरकार चलाई है किसानों की दयनीय स्थिति के लिए वे लोग जिम्मेदार हैं। मोदी सरकार भले ही सालाना 6000 रुपए की सम्मान निधि और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ाने जैसे कदमों को किसानों की खुदकुशी रोकने में कारगर बता रही है, लेकिन हकीकत यही है कि केरल जैसे राज्य में किसान कर्ज के बोझ तले अपनी जान देने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।